Hello my dear kids and parents, welcome to my channel, my part Salabhai Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर क्लास फिफ्थ के लिए हिंदी सब्जेक्ट से, जो कि एक बहुत ही रेपुटेटेड स्कूल के सीबीएसई बोर्ड के पेपर्स हैं, जो शायद आपके बच्चों के, जिन बच्चों की एग्जाम नहीं हुई है उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए पेपर देखते हैं। ये ऑनलाइन एग्जाम हुई थी और ऑफलाइन एग्जाम दोनों मौजूद थी। तो चलिए सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, सही विकल्प पर निशान लगाइए। क, हमारी धरती मिट्टी की बनी हुई बनी एक क्या चीज है? ऑप्शन है मूर्ति, मकान, गुल्लक। ख, इससे ने स्वेटर से किसे पकड़ा? सांप को, तीतर को, गिलहरी को। नंबर 2, इनके शुद्ध रूप लिखिए। एक भू का द कवि। प्रश्न 3, इनके लिए एक उचित मुहावरे लिखें। डर जाना, भूख लगना। नंबर 4, विलोम शब्द लिखें। नंबर 1, सुख, 2, स्वदेश। प्रश्न 5, इन शब्दों के लिए उचित अर्थ लिखिए। दिन, दिन। शब्दार्थ लिखिए खान, श्यामा, कक्ष, आगा। प्रश्न संख्या 7, सही उत्तर छांटकर खाली जगह भरे। रात, दाल, गुरगुर, बाग, दलिया। नंबर 1, मेरा पेट भूख से कर रहा है। 2, आपको बाहर न निकले। 3, बहू जी कटोरी में लाई। सही अथवा गलत उत्तर लिखें। गुरु और बेला पिकनिक मनाने गए थे। 2, कोको के माता पिता धान लगाने गए थे। 3, जल चक्र का संबंध भूगोल से है। प्रश्न संख्या 9, वाक्य बनाएं। नंबर 1, कल्पना। 2, दुर्गम। शी, दिलेरी। प्रश्न 10, एक शब्द में उत्तर दीजिए। नंबर 1, बाघिन सारा दिन क्या देती थी? नंबर 2, चावल की रोटियां कौन छुपा रहा था? 3, किचिप कौन करती है? प्रश्न संख्या 11, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, बिशन ने शिकारियों के विषय में क्या सोचा? 2, बर्फीले मैदान की तुलना किससे की गई है? 3, गुरु ने किसके कान में मंत्र गुनगुनाया? क्वेश्चन संख्या 12, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बालक था, वह पढ़ने में कमजोर था। कक्षा के बालक उसका मजाक उड़ाते थे। एक बार घूमते घूमते उसे प्यास लगी, वह इधर उधर पानी खोजने लगा। अंत में उसे एक कुआं दिखा, उसने कुएं से पानी निकाल कर पिया। जैसे ही वह चलने लगा उसने देखा कि कुएं के ऊपर एक जगह निशान बना हुआ है। बार बार पानी खींचने के कारण कुएं की रस्सी का निशान पड़ गया था। वह समझ गया कि बार बार रस्सी के आने और जाने के कारण वह निशान पड़ गया। उसे देखकर वह भी मेहनत करने लगा और एक दिन विद्वान बन गया। बालक कैसा था? नंबर 2, बालक इधर उधर क्या खोजने लगा? नंबर 3, कुएं के ऊपर उसने क्या देखा? 4, इस गधा के उचित शीर्षक लिखिए। प्रश्न संख्या 13, नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने पर मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखे। हिंदी एक्टिविटी, निम्नलिखित चित्र को देखकर आप क्या सीखते हैं? कोई 5 वाक्य लिखे। तो ये था हमारा क्लास फिफ्थ के एनुअल एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं, और क्लास फिफ्थ के ही मैं और सब्जेक्ट के पेपर लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।